हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज आपके साथ शेयर करूंगी नई लॉन्च बाय मेबेलिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके पैकेजिंग के साथ। ये इस तरह के पैकेजिंग में आपको मिल जाएंगे और इनका जो इनर पैकेजिंग है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इसकी अगर प्राइस आपको बताऊँ तो ये 325 का एक आपको पड़ेगा और इसमें 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ और 280 mg का प्रोडक्ट मिलेगा। इसके ऊपर लिखा है कि ये लाइट रिफ्लेक्टिंग फार्मूला के साथ आता है, बहुत क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर है। येस इट हैज़, मैं आपको दिखाऊंगी। और इस पर लिखा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ काजल एंड एज अ आई लाइनर। इस पर लिखा है कि फॉर एडेड इम्पैक्ट लाइन अलॉन्ग द इनर कॉर्नर्स, तो इनर कॉर्नर्स पे भी आप थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट दे सकते हो। तो ये कुछ इस पर लिखा है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पैकेजिंग कैसा है। सिंपल पैकेजिंग है, ये वाइट कलर के पैकेजिंग में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे ये है गोल्डन शेड, तो इसके ऊपर जो कैप है वो आपको गोल्डन मिलेगा। कुछ इतना प्रोडक्ट आपको मिलेगा और क्योंकि ये ट्विस्टेबल फॉर्म में आता है, इट्स वेरी इजी टू कैरी विथ यू। क्योंकि जो लास्टिंग ड्रामा थे उनको हमेशा शार्प करना पड़ता था बिकॉज वो प्रॉपर पेंसिल आईलाइनर्स थे, बट यहाँ पे पैकेजिंग अलग है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत क्रीमी है, सेम लाइन में जैसे जो लास्टिंग ड्रामा के पहले थे वैसे ही है। सो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, थोड़ा भी आप ज़्यादा लेके अगर आप लगाना चाहो तो ये टूट जाता है एंड देन यू काइंड ऑफ वेस्ट द प्रोडक्ट। तो बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जो दो शेड्स मैंने दिखाए हैं वो पहला जो गोल्ड वाला था वो है शाइनी ब्रॉन्ज और नंबर था उसका 830 और 840 इज़ मूनलाइट पर्पल। जैसे आप देख सकते हो ये काफ़ी स्मूथली लग जाता है, बहुत ही ओपेक वे में, और जो पिगमेंटेशन है वो भी अच्छा है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं लगता है, एकदम अच्छे से यूनिफॉर्मली लग जाता है। तो आँखों पे भी कोई टगिंग नहीं होगा आपकी आँखों पे क्योंकि बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर है इसका। बट जैसे मैंने कहा, इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लेके लगाने जाओ तो इट कैन ब्रेक, तो वो एक है। और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा बिकॉज इट्स वेरी क्रीमी। तो आपने कलर्स देखे तो काफ़ी ब्राइट कलर्स है और लाइट रिफ्लेक्टिंग फार्मूला है, थोड़ा सा हल्का सा शिमर है। तो ये है पर्पल कलर जो मैंने अभी यूज़ किया है, मूनलाइट पर्पल, जो कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हो इट्स वेरी ब्राइट कलर और कैमरा में तो मुझे ये काफ़ी वाइटिश लग रहा है। इट गिव्स अ वाइट आईलाइनर इफेक्ट, स्पार्कली वाइट आईलाइनर इफेक्ट। तो मुझे एक्चुअली ये कलर पसंद आया है। ये जो गोल्डन कलर है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, मैंने लगा लिया है अपने वाटर लाइन पे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मेरी आँखें ऐसे लगती है कि मैं सोई नहीं हूँ बहुत दिनों से। इट्स नॉट एट ऑल आई ओपनिंग इफेक्ट फॉर माई आईज एटलीस्ट। तो आप इसको आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और एक तरीके से मैंने इसको यूज़ करने का ट्राई किया टू हाईलाइट दिस पार्ट, ताकि दैट इफेक्ट विल बी देयर। तो ये थोड़ा सा ठीक लगा मुझे वहाँ पे भी लगाने के लिए। और एक तरीका है कि इनर कॉर्नर हाईलाइट कर सकते हो, तो जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप इनको ट्राई कर सकते हो। और ये काफ़ी क्रीमी है, थोड़ी सी ब्लेंड होने में मुझे लगता है दिक्कत होती है बिकॉज इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स सेटलिंग डाउन, तो आपको थोड़ा सा जल्दी से करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैंने काफ़ी देर पहले लगाया था तो मुझे आपको दिखाना है कि कितना स्मज होता है। तो इसको मैं अभी ट्राई करती हूँ स्मज करने का, तो ये बिल्कुल भी मेरे हाथ पे नहीं आ रहा है। कैन यू जस्ट सी दैट? तो ये है इफेक्ट आफ्टर स्मजिंग। ओके, एक बार ये सेटल हो जाए तो ये मूव नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग है तो इफेक्ट काफ़ी देर तक रहेगा बिकॉज इट्स फ्रॉम लास्टिंग ड्रामा रेंज, इट हैज़ टू बी लास्टिंग, जो कि ये करता है। सेटल होने से पहले अगर आप इसको हटाना चाहो तो ये हट जाता है, बट एक बार इसको आप सेटलिंग टाइम देते तो ये नहीं हटता है, नहीं बज होता है। थोड़े से स्पार्कली आइटम्स आए थे मेरे हाथ पे, बट जो लाइन थी वो अभी भी ठीक ठाक है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। जिनको इस तरह के आई ओपनिंग, आई ब्राइटनिंग लुक्स क्रिएट करने होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये है दो शेड्स जो मेरे पास है मेबेलिन लास्टिंग ड्रामा से। दैट्स ऑल अबाउट दिस
प्रोडक्ट एंड अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए विद बेल बटन एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।